Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 8 pronouns further, and in today's video we are going to discuss distributive pronouns. So hum yahan pe janenge distributive pronouns kya hai, iske kuch examples hum yahan pe padhenge aur sath mein hum dekhenge ki ye jo distributive pronouns hai ye kaise alag hai kisse, to distributive adjectives se. To is bare mein hum yahan pe padhne wale hain. To ab hum yahan pe sabse pehle bol dete hain ki distributive pronouns kya hai. To ya to distributive pronouns aise pronouns hai jo refer karta hai persons ko, things ko, taken one at a time. To ये चीज तुम्हें याद रखना है. यहाँ बुक में भी तुम्हें बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स नंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली. तो याद रखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, वो कंसीडर करता है नंबर्स ऑफ अ ग्रुप को, यानी कि जो ग्रुप होगा उसमें हो सकता है 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे. तो ये जो नंबर्स है जो ग्रुप में उसको वो क्या करता है, कंसीडर करता है कैसे, तो सेपरेटली, तो वन एट अ टाइम उसको कंसीडर करता है, ना कि उसको कलेक्टिवली वो कंसीडर करता है. तो ये चीज़ यहाँ बुक तुम्हें समझा रहा है. तो क्या याद रखना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे प्रोनाउंस है जो कंसीडर करता है क्या चीज़ को, तो नंबर्स ऑफ अ ग्रुप को कैसे, तो सेपरेटली, यानी कि हर एक को अलग से वो कंसीडर करता है रादर देन कलेक्टिवली. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा. तो आगे यहाँ पे दिया है, हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स. तो आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो. सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दिया है ऐसे करके, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो. तो सबसे पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, इच स्टूडेंट वेंट हिज ओन वे. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रत्येक जो स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी है वो गया उसके अपने रास्ते. तो ये जो सेंटेंस है वो बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी गया उसके अपने रास्ते. तो यहाँ पे जो प्रत्येक है वो हम स्टूडेंट के आगे में हम इस्तेमाल करें. स्टूडेंट क्या हुआ, तो एक नाउन हुआ. तो ये जो ईच है इस केस में, यानी कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो हम ईच लिखे हुए हैं, तो ये जो ईच है ये क्या नहीं है, तो या तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हम उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या प्रयोग करें, तो नाउन का प्रयोग करें. तो इसी वजह से यहाँ पे जो ब्रैकेट है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा, इच स्टूडेंट व्हेन इज ओन वे के बाद में जो ब्रैकेट है उसके अंदर दिखेगा, इच इज़ यूज एज अ प्रोनाउन विदाउट अ नाउन फॉलोड बाई इट. तो यात्रा को इच को हम प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं जब उसके बाद में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे उसके बाद में, दैट इज इट इज़ नॉट फॉलोड बाई अ नाउन. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. और यहाँ पे मैंने एरो बना के ये चीज़ को समझाया हुआ है. मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, सेम सेंटेंस है, लेकिन अंतर इतना है कि मैंने जो स्टूडेंट जो नाउन है उसको मैंने हटा दिया है. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, इच वेंट हिज ओन वे. तो यहाँ पर इच स्टूडेंट वेंट हिज ओन वे था, यानी कि प्रत्येक जो विद्यार्थी था वो गया था अपने रास्ते. और यहाँ पे बताया गया है इच वेंट हिज ओन वे में प्रत्येक गया उसके अपने रास्ते. तो यहाँ पे जो इच है क्या हमने इसके पीछे में क्या मैंने कोई नाउन का प्रयोग किया है, तो नहीं, मैंने यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं किया. तो इच इज इट फॉलोड बाय अ नाउन, नो इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन इन दिस सेंटेंस. यानी कि जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है इस सेंटेंस में इच जो है इसके बाद में हमने नाउन का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे मैंने वर्ब का प्रयोग किया है. तो ऐसे केस में जो इच है ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा. तो ये चीज़ बुक भी तुम्हें समझा रहा है. ऐसे करके आगे तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल दिखेगा, एवरी वन मस्ट फिनिश द होमवर्क. तो यहाँ पे बताया गया, ये भी मैंने एग्जाम्पल बोर्ड में लिख दिया है. एवरी वन मतलब हर एक को क्या करना चाहिए, यानी प्रत्येक को क्या करना चाहिए, प्रत्येक को जरूर खत्म करना चाहिए क्या, तो होमवर्क. तो ये चीज़ यहाँ पे सेंटेंस बता रहा है. तो यहाँ पे जो एवरी वन है वो क्या है, तो यहाँ पे एवरी वन के बाद क्या तुम्हें कोई नाउन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे मैंने नाउन का प्रयोग नहीं किया है. तो एवरी वन जो हुआ वो एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ऐसे करके आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, समवन एंड नन. तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए किसके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. तो यहाँ तक क्या याद रखना है, तो याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो कंसीडर करता है नंबर्स ऑफ अ ग्रुप को कैसे, तो सेपरेटली, यानी कि उसको इंडिविजुअली वो कंसीडर करता है, वन एट अ टाइम उसको कंसीडर करता है, ना कि उसको वो कलेक्टिवली कंसीडर करता है. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. और आगे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जहाँ पे देखा हमने कि ईच, एवरी वन करके हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया था और हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया. तो अब आगे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े, और यहाँ पे आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो याद रखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पे तुम्हें दो सेंटेंसेस दिखेंगे बुक में, तुम देख सकते हो, इच स्टूडेंट वॉज गिवन अ गिफ्ट. तो यहाँ पे बताया गया प्रत्येक जो विद्यार्थी उसको क्या दिया गया था, तो एक गिफ्ट दिया गया था, यानी कि एक यहाँ पे बताया गया है कि वॉज गिवन अ गिफ्ट. तो नेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, इच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ गिफ्ट. तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों में से प्रत्येक को क्या दिया गया, तो गिफ्ट दिया गया था. तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस में दोनों में हमें इच का प्रयोग दिख रहा है, लेकिन यात्र को जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, जब इच के तुरंत बाद वहाँ पे हम क्या प्रयोग कर रहे, तो नाउन का प्रयोग कर रहे, तो ऐसे में वो क्या होगा, तो मैं तुम्हें पहले से बता रहा था वो डी ए होगा. डी ए मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और जब इच होगा और इच के तुरंत बाद वहाँ पे नाउन नहीं होगा, तो ऐसे में वो क्या होगा, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को फिर से तुम एक बार देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा वाला
एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या कौन सा वाला एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन सेंटेंस वन, तो सेंटेंस वन में यानी कि ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ गिफ्ट में जो ये सेंटेंस है इसमें ईच इज फॉलोड बाय द नाउन स्टूडेंट। तो ये जो ईच है ईच के तुरंत बाद हमने वहाँ पे क्या प्रयोग किया है, तो स्टूडेंट का प्रयोग किया है। स्टूडेंट क्या है, तो एक नाउन है। सो हियर ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इस केस में यहाँ पे जो ईच है ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आगे यहाँ पे बताया गया सेकेंड इन द सेकेंड इन सेंटेंस टू यानी कि इन द सेकेंड सेंटेंस ईच इज नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन। तो यहाँ जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ ईच के बाद क्या दिख रहा है हमें, ऑफ दिख रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है। तो ऑफ जो है वो क्या, ऑफ क्या नाउन है, तो नहीं। तो याद रखो जो ईच है इट इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन, तो वहाँ पे कोई नाउन द्वारा उसके मतलब उसके बाद में कोई नाउन हम इस्तेमाल नहीं कर, ईच के तुरंत बाद वहाँ पे क्या हमने नाउन का प्रयोग किया है, नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक बता रहा है, और इसी वजह से जो ईच है सेकेंड सेंटेंस का वो क्या है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ बुक समझा रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो क्या करता है, कंसीडर करता है नंबर्स ऑफ अ ग्रुप को, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप में, हो सकता है कोई ग्रुप में एक दो मतलब दो से अधिक यानी कि दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके बहुत सारे हो मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप को यानी कि जो नंबर्स ऑफ अ ग्रुप को वो क्या करता है, कंसीडर करता है कैसे, तो सेपरेटली यानी कि वन एट अ टाइम वो उसको कंसीडर करता है और उसको वो कॉलिटिवली कंसीडर नहीं करता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है सबसे पहले। और आगे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और यहाँ जो एग्जाम्पल्स किसकी एग्जाम्पल्स देखे, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स देखी, और हमने यहाँ पे बोला कि हो सकता है कोई जो वर्ड है हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो, लेकिन हमें वहाँ पे अंतर कैसे पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये अंतर ऐसे चलेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद हमें वहाँ पे इट विल बी फॉलोड बाय व्हाट, इट विल बी फॉलोड बाय अ नाउन, यानी उसके बाद हमें वहाँ पे नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम वही शब्द को यानी जो ईच है जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में दिया, तो जब हम ईच को हम प्रयोग करते किस यानी जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते तो उसके तुरंत बाद जब हम नाउन का प्रयोग नहीं करते तो वो क्या काम करता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो हमने यहाँ पे ये जाना और इस एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे हमने ये बात समझा, और आगे जो बुक में दिया गया था नीचे में डिफरेंस बिटवीन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो एग्जांपल दिया था उसके थ्रू भी ये बात अच्छे से हमें समझ में आया। तो हमने आज यहाँ पे जो ये चैप्टर है चैप्टर एट प्रोनाउंस को हमने कवर कर लिया है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो हम ये जो एक्सरसाइज थे इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें कोई और वीडियो में यानी जो कोई और क्लास में सॉरी भेज दूंगी, और ये जो कल जो चैप्टर 9 जो एडजेक्टिव से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसको हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो मैं कोशिश करूँगी कि जो चैप्टर 9 तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर ले कहाँ से, तो चैप्टर 1 से लेके 8 तक हमने कंप्लीट कर रखा है, आज कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो एक्सरसाइज थी इसको मैं कोई और दिन भेज दूँगी, मैंने बता दिया है। और चैप्टर 9 को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, साथ में मैं यहाँ पे तुम्हारा जो चैप्टर 27 और 28 है इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो तुम्हें चैप्टर 9 के बाद मैं डायरेक्टली चैप्टर 27 पढ़ाऊँगी और 28 पढ़ाऊँगी, तो ये बीच का जो चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट टर्म में हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।